दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 18 जून 2021 को यानी कल एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसके आधार पर कहा जाने लगा कि RBI का प्रतिबंध झेल रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी PMC बैंक के ग्राहकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आखिर उस प्रेस रिलीज में क्या था और कैसे PMC बैंक के ग्राहकों को उस पर असर होगा, इन सब बातों के बारे में हम इस एपिसोड में आपसे बात करेंगे। RBI की पाबंदी झेल रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी PMC बैंक के अच्छे दिन आने वाले हैं। दरअसल RBI के एक महत्वपूर्ण फैसले से संकटग्रस्त PMC बैंक के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 जून 2021 यानी शुक्रवार को सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। PMC बैंक के अधिग्रहण के लिए आवेदन करने वालों में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज भी शामिल है। तो रिजर्व बैंक ने अपने बयान में क्या कहा है, यानी उसने जो प्रेस रिलीज जारी किया है RBI ने, उसमें क्या कहा गया है, तो वो आप पूरा का पूरा सुन लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आज सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ब्रैकेट में आवेदक को दिनांक 5 दिसंबर 2019 के निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लिए ऑन टैप लाइसेंस के लिए दिशा निर्देश के तहत एक लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन देने का निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने सैद्धांतिक अनुमोदन के भाग के रूप में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आवश्यक शर्तों का अनुपालन किया है। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस देने पर विचार करेगा। यह सैद्धांतिक अनुमोदन पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई द्वारा 3 नवंबर 2020 को प्रकाशित रुचि की अभिव्यक्ति अधिसूचना के जवाब में 1 फरवरी 2021 को सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रस्ताव के विशिष्ट अनुसरण में दिया गया है। ये RBI ने अपनी जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें कहा है। तो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज ने RBI के इस फैसले का स्वागत किया है। कंपनी ने इस फैसले को गर्व का पल बताया है। उसने कहा है कि RBI ने कंपनी को स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर काम शुरू करने के लिए 120 दिनों का समय दिया है। PMC बैंक के अधिग्रहण के लिए सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज और भारत पे ने संयुक्त रूप से बोली लगाई है। दोनों कंपनी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1800 करोड़ रूपये का निवेश करेगी। सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की होल्डिंग कंपनी है सेंट्रम कैपिटल, जो कि शेयर बाजार में लिस्ट है। सेंट्रम कैपिटल राइट्स इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार कर रही है। कंपनी NCD के जरिए भी 1000 करोड़ रुपए जुटाने की संभावना तलाश रही है। तो RBI प्रतिबंध के तहत कारोबार कर रहे PMC बैंक के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो 2019-2020 में बैंक के पास 10,727.12 करोड़ रुपए जमा था, जिसमें से 4,472.78 करोड़ रुपए का लोन था। बैंक ने 6,835 करोड़ का शुद्ध नुकसान दर्ज किया है, जबकि बैंक का कुल नेटवर्थ -5,850.61 करोड़ रुपए रहा है, यानी नेटवर्थ शून्य से भी नीचे चला गया है। आपको बता दूं कि RBI ने PMC बैंक पर पहली बार 23 सितंबर 2019 को प्रतिबंध लगाया था। इसके तहत जमाकर्ताओं द्वारा निकासी सीमा को भी सीमित कर दिया गया था। अपने पूरे पैसे तुरंत पाने के लिए बैंक के ग्राहकों को कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट में PMC बैंक के ग्राहकों की तरफ से मुकदमा लड़ रहे सीनियर एडवोकेट शशांक देवसुद्धि ने RBI की इस मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका मानना है कि बैंक के ग्राहकों का सिर्फ एक सवाल है कि क्या उनका पूरा पैसा तुरंत वापस मिलेगा या नहीं। अगर RBI के फैसले से इस सवाल का जवाब मिलता है या फिर ग्राहकों के पूरे पैसे मिल जाते हैं, तभी यह फैसला PMC ग्राहकों के हित में माना जाएगा। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या RBI के फैसले PMC बैंक के ग्राहकों को तुरंत पूरे पैसे बिना शर्त के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। RBI सरकार को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। RBI के इस ताजा फैसले के अलावा PMC बैंक की ताजा स्थिति के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। फिलहाल RBI ने PMC बैंक पर 30 जून 2021 तक प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले 31 मार्च 2021 तक और उससे पहले 22 दिसंबर 2020 तक पाबंदी थी। आपको बता दूं कि वित्तीय अनियमितता
रियल एस्टेट डेवलपर HDIL को दिए गए लोन की जानकारी छिपाने और गलत जानकारी देने के लिए बैंक पर शुरू में 23 सितंबर 2019 को 6 महीने की पाबंदी लगी थी, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है। 6 महीने की पाबंदी के बाद इसे फिर से 3 महीने बढ़ाकर 22 जून 2020 किया गया। इसके बाद फिर से पाबंदी की अवधि बढ़ाकर 22 दिसंबर 2020 और उसके बाद 31 मार्च 2021 किया गया था, लेकिन अब 30 जून 2021 तक पाबंदी जारी रहेगी। यानी 30 जून 2021 तक बैंक के ग्राहक तय सीमा से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकेंगे और यह सीमा है मेडिकल इमरजेंसी नहीं होने पर 1 लाख रुपए प्रति ग्राहक, जबकि मेडिकल इमरजेंसी होने पर 5 लाख रुपए प्रति ग्राहक। इसी बीच बैंक को रिवाइव करने यानी फिर से पटरी पर लाने की कोशिश भी जारी रही है, जिसका नतीजा है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को सैद्धांतिक तौर पर स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापित करने के लिए मंजूरी देना। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कुछ समय पहले कहा था कि PMC बैंक के पुनर्निर्माण के लिए योग्य निवेशकों के साथ बातचीत और सही निवेशक के चयन की प्रक्रिया जारी है। RBI ने 26 मार्च 2021 को बैंक पर पाबंदी की अवधि बढ़ाकर 30 जून 2021 तक करते हुए कहा था कि PMC बैंक को 3 नवंबर 2020 को बैंक द्वारा जारी रुचि के अभिव्यक्ति के जवाब में इसके पुनर्निर्माण के लिए कुछ निवेशकों से बाध्यकारी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। रिजर्व बैंक और PMC बैंक वर्तमान में संभावित निवेशकों के साथ चर्चा कर रहे हैं ताकि जमाकर्ता और अन्य हितधारकों के लिए सर्वोत्तम संभव शर्तों को सुरक्षित किया जा सके, जबकि पुनर्निर्मित इकाई की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके। PMC बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रक्रिया जटिल है और इसमें कुछ और समय लगने की संभावना है, ऐसा शक्तिकांत दास ने कहा था कुछ समय पहले ही। तो इस तरह से PMC बैंक के अधिग्रहण का रास्ता साफ होता दिख रहा है और सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापित करने की जो सैद्धांतिक मंजूरी मिली है उसको इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।